है जबलपुर की सबसे स्पेशल मक्खन। सबसे स्पेशल जी, बिना मिलावट। अच्छा। इसमें ना कोई अरारोट, ना कस्टर्ड, ना सिक्रीन, कुछ नहीं। सिर्फ ये दूध, खोवा, काजू पाउडर, बादाम पाउडर, इसके अलावा मलाई और कुछ नहीं मिलेगा। ये इसको आप खा के देखने के बाद, और मेरे को कुछ माई की ऐसी कृपा भी है, और ये जय हो माई के नाम से फेमस मटका गुल्फी। जय हो माई के नाम से फेमस मटका गुल्फी, ये पूरे जबलपुर में सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट और सबसे ज़्यादा ओरिजिनल। Yeah. तो इसमें आप ऐसा क्या डालते हैं जो सबसे ज्यादा? इसमें सिर्फ सर जी 4.5 घंटे दूध औटाता हूँ। 4.5 घंटे दूध औटाते हैं? हाँ, एक लिमिट आंच में, ताकि दूध का वो बना रहे स्वाद। और उसको लगभग 4.5 घंटे पकाने के बाद उसमें काजू पाउडर, काजू को पीस के, बादाम को पीस के वो डाला जाता है गाढ़ा करने के लिए। बाकी कुल्फी वाले शायद कस्टर्ड या अरारोट का इस्तेमाल करते हैं। जी जी, इसको आप पहले, सबसे पहले आप खा के देखें। अच्छा। निवेदन है, हम खबरदार चैनल के बहुत आभारी हैं। अच्छा। कि जो आप हमारे पास आए, ठीक है, थोड़ा आप इसको खाएं सबसे पहले, उसके बाद अपन फिर एक छोटा सा अंतराल के बाद मिलते हैं। ठीक है, ठीक। धन्यवाद। ओके, नमस्ते सर। सर जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार गुप्ता सर। तो गुप्ता जी, ये क्या बनाते हैं आप? बढ़िया ठेला ठाला सजाया हुआ है आपने। सर जी, ये मटका कुल्फी है, मटका जिसका की चलन लगभग समाप्त पे है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले आप हमें एक बात बताइए, आपने ये बढ़िया डेकोरेट किया है, डेकोरेट करने का क्या कारण है इसका? सर ये तो हमारा मंदिर है। बढ़िया मंदिर ये हमारा मंदिर ही है। अच्छा। तो हम इसकी जितनी पूजा कर सकें, जितना अच्छे से रख सकें, जितना अच्छे से सजा सकें, ठीक है, उसके कारण हम ये सब करते हैं। और फिर दूसरी बात, इसमें जो चीज़ है सब ओरिजिनल है। अच्छा, ओरिजिनल का कहने का मतलब मैं समझ नहीं। तांबे का मटका। तांबे का मटका जी, ठीक है। उसके बाद रबड़ी, रबड़ी ओरिजिनल मटका कुल्फी। रबड़ी उठा के दिखाएंगे, ये देखिए, ये रबड़ी है, ये बिना मिलावट के। क्या क्या डाला है आपने इसमें? दूध है। अच्छा। खोवा है। हाँ। और इसमें काजू पाउडर है। हाँ। और बादाम पाउडर है। बादाम पाउडर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? ये चॉकलेट रबड़ी बच्चों के लिए। अच्छा, ये बच्चों के? हाँ, ये बिना रंग बिना कलर की। अच्छा, ये चॉकलेट रबड़ी। अच्छा, तो इसमें क्या क्या डालते हैं? इसमें रबड़ी तो यही है। हाँ। मगर इसमें अपन ने चॉकलेट पाउडर डाला है। चॉकलेट पाउडर, हाँ, ठीक है। वो नेक्स्ट चीज क्या है? वो सब रबड़ी है सर। अच्छा, लेकिन कौन किस किस प्रकार की आप कुल्फी बेचते हैं? हमारे पास है मिनिमम में 30 रुपए की है। हाँ। रबड़ी कुल्फी, ठीक है। उसके बाद 50 रुपए में काजू बादाम है। काजू बादाम 50 रुपए की भी कुल्फी। हाँ। काजू बादाम की। और हमारी कुल्फी का साइज बहुत छोटा है। अच्छा, ये कुल्फी मात्र 50 रुपए की, इतनी सी। ये किस चीज़ की बनी हुई है? ये दूध, खोवा, काजू बादाम। अच्छा, ठीक है। इसमें कोई अरारोट, कस्टर्ड कुछ नहीं मिला हुआ। तो गुप्ता जी, मटका कुल्फी तो बहुत लोग बनाते हैं जबलपुर में, हालांकि लगभग लगभग हर एक 10 कदम पे आपको मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, गर्मी के सीजन बिल्कुल में बिल्कुल मिलेगा। तो आप हमें ये बताइए, आपके मटका कुल्फी में ऐसा क्या खास है? हमारी मटका कुल्फी की खासियत ये है कि सर, हम इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं रखते। मिलावट नहीं रखते, बिल्कुल शुद्ध बनाते हैं। हाँ। थोड़ी सी महंगी बेचते हैं। अच्छा, क्या महंगी में कैसे? जैसे जबलपुर में आपको मटका कुल्फी 10 रुपए की मिल जाएगी, 20 की और 30 की। अच्छा। और हमारे पास 30 रुपए से शुरू होती है। 30 से शुरू होती है। 30, 50, 100, 150 और 200 रुपए तक की कुल्फी। अच्छा। हमेशा में मिलती है। अच्छा, तो ये ठेला आपका कितने बजे से सुबह खुल जाता है? ये सुबह नहीं सर, ये शाम को 7 बजे। केवल शाम को? केवल शाम को से 11 बजे तक। ये कब से कर रहे हैं इस चीज़ का बिजनेस? ये हमारा 40 साल हो गया साहब। 40 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं केवल इसी का? नहीं, इसके अलावा सीजनेबल है ना। 40 साल हो गया मेरे को ये बिजनेस करते हुए। 61 साल की मेरी उम्र है। 12 महीने चलता है ये आपका बिजनेस? 12 महीने ऑर्डर पे चलते हैं। अच्छा, ऑर्डर पे? जी हाँ, ऑर्डर पे 12। तो ऑर्डर पे भी यही क्वालिटी देते हैं आप जो अभी? और उससे अच्छी भी देते हैं। इससे और अच्छी देते हैं? और अच्छे में दे देते हैं। ऑर्डर में कहाँ, बारात वगैरह का सीजन? बारात है, जन्मदिन है, किसी के यहाँ सालगिरह है। तो दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है आपकी इस कुल्फी से? सर जी, हमारा तो खूब अच्छे से परिवार चलता है। खूब अच्छे से? खूब अच्छे से। अच्छा, घी रोटी खा के? अरे बहुत बढ़िया, घी रोटी खाते जी हैं। हाँ, मेहनत करने से चूकते नहीं है। हाँ। मस्त माता रानी की कृपा से। तो केवल इसी के बिजनेस पे डिपेंड है आपका पूरा परिवार, इसी बिजनेस पे? नहीं। हाँ। इसके अलावा जैसे सीजने वाले, इसके बाद हमारे पास रहेगी खोबे की जलेबी। हाँ। और उसके साथ रबड़ी। अच्छा। रसगुल्ला रहेगा, रबड़ी रहेगी। तो ये आप यहीं लगाते हो? जी, यहीं मिलेंगे।
सदर काफी हाउस के सामने। सदर काफी हाउस के सामने, इंडियन काफी हाउस सदर। हाँ। तो आप अभी बोल रहे थे जबलपुर में ये सबसे ज्यादा चर्चित है आपके कुल्फी सेंटर जो है। जी हाँ, मटका कुल्फी। मटका कुल्फी सबसे ज्यादा चर्चित है, सबसे ज्यादा आपका। और उसकी खास बात क्या है, खास बात बताइए। खास बात यही है कि इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है ना सर, शुद्धता है, बिल्कुल प्योर प्योर है। जी हाँ, है ना, शुद्धता ही एक रीजन है जो आपका सबसे ज्यादा चलता है। जी हाँ, मटका कुल्फी का सबसे मेन रीजन ये होता है कि अगर आपकी मटका कुल्फी में मिलावट नहीं है तो आप समझ लीजिए कि सबसे अच्छी चीज खिला रहे हैं। तो दिन भर में कितनी मटका कुल्फी बेच लेते हैं आप? दिन भर में नहीं सर, शाम को, दिन भर बनाने में लगता है। अच्छा, ठीक, दिन भर बनाते हैं। शाम को कितने बजे खोलते हैं? शाम को करीब 7 बजे यहाँ पे हम आ जाते हैं। 7 बजे आ जाते हैं, 11:15 बजे तक। अच्छा, 11:15 बजे तक खुला रहता है। जी हाँ, है ना। तो 11:15 तक में लगभग कितनी कुल्फियाँ बिक जाती हैं आपकी? 11:15 तक में तो मैं जितना माल लाता हूँ उसमें से अगर 2-4 पीस बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, नहीं तो माता रानी की कृपा से सारा का सारा हमारा व्यापार अच्छा चलता है। दिन भर में कितनी बिक जाती होंगी समथिंग, शाम तक में लगभग सर जी कितना बनाते हैं आपको, कितनी क्वांटिटी में बनाते हैं? हमारी क्वांटिटी का रहता है ऐसा करीब 400 से 500 पीस रहते हैं इसमें। सारी वैरायटी आ गई, 400 से 500 के बीच में सारी वैरायटी। 30 रुपए वाली भी आ गई, 50 वाली भी आ गई, 100 वाली, 150 और 200 वाली भी। अच्छा, तो वो सारी वैरायटी निकल जाती हैं? जी हाँ जी हाँ, डेली डेली। अच्छा, अपने पास कोई वो तो है नहीं कि डिवीजर है तो आज बच्चा तो कल अपन ने उसको चलाया, अपने पास तो सीधा शुद्ध काम है। इसमें आपने अंदर बर्फ डाले हुए हैं? बर्फ है, नमक है। अच्छा, नमक भी है। नमक डालने का क्या रीजन? नमक डालने से ही कुल्फी जमती है। अच्छा, नमक डालने इसके, हाँ इसके अंदर ले लीजिए सर, ये देखिए। अच्छा, ये नमक डाला हुआ है? ये खड़ा नमक, ये खड़ा वाला नमक है ना, पिसा वाला नहीं डालते, खड़ा पिसा नहीं। अच्छा, तो ये घुर जाता होगा? धीरे धीरे घुरता है। अच्छा, मतलब टाइम लगता है इसको खुलने में? हाँ, ये अच्छा। सवेरे मतलब समझ लीजिए 4 बजे शाम को हमने डाला है। अच्छा, और अब जाके ये समझ लीजिए 12 बजे तक। अच्छा, तो मतलब आप इसमें गुल्फियाँ भी मिलाते हैं, बर्फ भी मिलाते हैं और नमक भी मिलाते हैं और तीनों को मिक्स कर देते हैं? हाँ, जम जाती हैं। जमाना पड़ता है, 1 घंटे इसको हिलाना पड़ता है। अच्छा, हिलाना भी पड़ता है? जी साहब, 1 घंटे। एक घंटे तो ये जो गुल्फी है इसमें जो आपने अंदर रबड़ी डाला हुआ है, रबड़ी बोला ना, रबड़ी, तो जो रबड़ी डाला हुआ है तो कितने मिनट पहले रबड़ी डालते हैं इसमें आप? इसको टाइम लगता है जमने में? इसको जमने में कम से कम 1 घंटा 10 मिनट लगता है। 1 घंटा 10 मिनट इसको हिलाया जाता है। तो घर से ही जमा के लाते हैं? जी हाँ, घर से जमा के लाते हैं। यहाँ पे आने के बाद पूजा पाठ हुई और उसके बाद तो जो पैकेज आपका खत्म हो जाता है जैसे ये डिब्बियां जो खाली, हाँ छोटी वाली, फिर से भर के डालते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये अब कल। अच्छा, अब ये सब जाके निर्मा के पानी से धुलेंगी। हाँ, निर्मा पानी से धुलने के पश्चात कल दिन में इनको करीब करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में भरना चालू करेंगे। 4 बजे तक भरेंगे, 4:15 बजे बर्फ आएगा। अच्छा, 5:30 बजे तक माल जमेगा, फिर 6:00 बजे बाहर से मंगाते हैं? नहीं, बर्फ वाले लाके डीलर, बर्फ वाला डीलर घर में लाके देता है। अच्छा, तो दिन भर में कितना बजट आपको मिल जाता है, कितना फायदा में बेनिफिट मिल जाता है इससे? बेटा नगद में तो हम क्या बताएंगे, नगद का हमसे ना पूछिएगा, फिर भी बताइए आप हमारे ग्राहकों को, बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए। नगद का बिल्कुल नहीं बता पाएंगे मगर खूब अच्छा चलता है, खूब अच्छा। हाँ, अभी आपने बोला परिवार हमारा बहुत अच्छा चलता है, बढ़िया घी रोटी खा के। जी, घी रोटी खा के जी। आपके चेहरे पे अलग ही रौनक दिख रही है हमको घी रोटी की। सर वो तो अच्छा, आप हमारे चैनल के लिए क्या बोलने चाहेंगे? आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इतने अच्छे तरीके से अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, माई से निवेदन करेंगे आपका चैनल दिनों दिन खूब तरक्की करे, आप भी स्वस्थ रहें, आपका चैनल के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब स्वस्थ रहे। जय हो माई की। जय हो माई की, धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताइए कब से आ रहे हैं इस दुकान में आप? भैया मेरे को कम से कम 10 साल हो गया ये माई की कुल्फी वाले के यहाँ आते। अच्छा, तो और भी कुल्फी वाले उनके यहाँ क्यों नहीं जाते, यहीं क्यों आते हैं? अब ये हमको घर जैसे वो शुद्ध लगता है। अच्छा, तो मतलब स्वाद की वजह से आते हैं या सर का व्यवहार ऐसा इसलिए आते हैं? भैया का व्यवहार भी है, टेस्ट भी है। हाँ। भैया की कुल्फी में सिर्फ ओरिजिनलिटी है। ओरिजिनलिटी है। हाँ। सबसे बड़ी बात ओरिजिनलिटी है, इसलिए आप लोग आते हैं। 10 साल से परमानेंटली आप यहीं आते हो? हमने बाजार की कुल्फी कभी नहीं खाया। अच्छा, सिवा इनकी। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? रवि सोनी। रवि सोनी, थैंक यू।